अच्छा, तो स्टूडेंट हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन 8 नंबर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है हेलीकॉप्टर वेट्स 3920 न्यूटन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो न्यूमेरिकल थे अनसॉल्व, ये वही सेम क्वेश्चन है जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर जो था उसका वेट दिया गया था और उस पर लगने वाली नेट फोर्स मालूम करनी थी। आई थिंक ये कि चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद 5। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि वाटर पंप इज नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर, चैप्टर नंबर 7 का मशहूर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड अ मास 0.004 किलोग्राम इज स्ट्रेच्ड हॉरिजेंटली बाय पासिंग वन ऑफ इट्स एंड ओवर अ पुली। एक स्ट्रिंग जिसकी लंबाई 2 मीटर है और उसकी मास आपको दी जा रही है 0.004 किलोग्राम, ये दो सपोर्ट्स के दरमियान जो है वो खींच कर बांधी गई है और उसका एक सिरा जो है, यानी एक सिरे पर बांधी गई है और दूसरा सिरा जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रहा है। उसके आगे कहते हैं, द स्ट्रिंग इज अटैच विद 1 किलोग्राम मास टू इट वर्टिकल। इस स्ट्रिंग के साथ एक 1 किलोग्राम का मास जो है वो लटकाया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। तो आपने स्ट्रिंग के अंदर पैदा होने वाली ट्रांसवर्स वेव जो कि स्टैंडिंग वेव होती है इस केस में, उसकी स्पीड मालूम करनी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल एंड फिफ्थ हार्मोनिक एट विच द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और फिफ्थ हार्मोनिक यानी कि पांचवी फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। फिफ्थ हार्मोनिक का दूसरा नाम फोर्थ ओवरटोन है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन की डेटा में आपसे कहा जा रहा है स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग एंड मास, स्ट्रिंग की मास है ये 0.004 किलोग्राम। उसके बाद जो इसमें सस्पेंडेड लोड है जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है उसको मैं कैपिटल एम से शो कर रहा हूँ, वो 1 kg है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमें फर्स्ट पार्ट में मालूम करना है स्पीड, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि हम मालूम करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फाइनली फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, जो सवाल है उसके अंदर एक पुली के साथ और एक सपोर्ट के दरमियान आपने एक स्ट्रिंग को अटैच किया है और उसके ऊपर से गुजारा है। उसके बाद आपने स्ट्रिंग के एंड पर एक 1 किलोग्राम का मास जो है वो सस्पेंड किया हुआ है। देखिए, इसका मास डेफिनेटली एक वेट जनरेट करेगा और उस वेट की वजह से एक अपोजिट फोर्स जिसे हम टेंशन इस केस में कहेंगे क्रिएट होगी। फ्रिक्शनलेस मूवेबल पुली है टेंशन की यहाँ पर डायरेक्शन। तो जो हमारे यहाँ, अगर आपको याद हो, इस टॉपिक में एक सोनोमीटर का टॉपिक ये हुआ करता है चैप्टर नंबर 8 में, यहाँ स्टैंडिंग वेव क्रिएट होना शुरू हो जाती है। स्टैंडिंग वेव क्रिएट होने की बहरहाल यहाँ कोई वजह होती है, यानी कोई ना कोई एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है जो इसको वाइब्रेट करवाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले स्पीड के लिए आप ये फार्मूला जान लीजिए कि कभी भी स्टैंडिंग वेव की अगर स्पीड मालूम करनी हो तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, जबकि टी से मुराद टेंशन है और म्यू से मुराद लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ है। तो जो बहरहाल हमसे कहा जा रहा है उसके मुताबिक या तो आप म्यू की कीमत पहले कैलकुलेट कर लें और उसमें रखवा दें, या फिर अगर आप चाहें तो यहीं पे ये सारा काम हो सकता है। आप देखें, म्यू की जगह पर हम इसकी कीमत रख रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ। टी की कीमत आपको दी जा रही है, हाँ, अब
एक चीज़ और कि जो टेंशन है बेसिकली यहाँ उसको आपको पहले जो यहाँ डिफाइन करना चाहिए कि जो टेंशन है, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि उसकी पैदा होने की असल कॉज ये वेट है, और जो वेट है वो क्योंकि सस्पेंडेड मास की वजह से है, वेट का फॉर्मूला mg होता है, तो इसमें जो हम मास रखेंगे वो सस्पेंडेड लोड वाली मास रखेंगे। तो आपने बहरहाल टेंशन की कीमत को देखा, यहाँ पर ये कीमत आएगी डिवाइड बाय स्मॉल m, और डिवाइड के डिवाइड में जो लेंथ फैक्टर था वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह मास की कीमत मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि 2 मीटर दी हुई है, मास ऑफ द स्ट्रिंग 0.004 kg, इसको हम कैलकुलेट करते हैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय 0.004 स्क्वायर रूट। तो जो आंसर हमारे पास आया है स्पीड का वो है 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। अब हम जा रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो ये हमारा तरतीब के हिसाब से फर्स्ट पार्ट था। नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि स्टेशनरी वेव का चैप्टर नंबर 8 में, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो कीमत है वो होती है v/12, जहाँ v से बोला स्पीड ऑफ स्टैंडिंग वेव है, l का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। दोनों ही चीज़ें हमें मालूम है, जैसा कि v 70 था निकाला है एंड लेंथ फैक्टर 2 मीटर है। 70 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 17.5 फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो इस तरह हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ द लास्ट पार्ट इज फिफ्थ हार्मोनिक। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 में ही आपने इसी टॉपिक में पढ़ा था कि जो फिफ्थ हार्मोनिक है या जो nth हार्मोनिक है fn, वो बराबर हुआ करता था n मल्टीप्लाई बाय f1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें f5 मालूम करना है तो यहाँ पर हमें 5 एंड मल्टीप्लाई बाय f1 रखना होगा। f5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय f1 यानी 17.5, एंड f5 इज इक्वल टू आई थिंक 87.5 आपके पास हर्ट्ज में फिफ्थ हार्मोनिक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूरा हमारा एक कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। पेपर 2010 का क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द 14 ब्राइट रिंग ब्राइट न्यूटन रिंग्स इज 1 मिलीमीटर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 125 मिलीमीटर। अच्छा, न्यूटन रिंग का जो क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आपको याद होगा बेटा कि न्यूटन रिंग्स के टॉपिक में हमने डार्क रिंग और ब्राइट रिंग देखे थे, और ये जो रिंग्स होते हैं ये कंटिन्यूस पैटर्न में होते हैं, यानी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क रिंग्स बनते हैं, और इनके जो रिंग्स हैं ये सब के सब कंसेंट्रिक होते हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, इसका डेटा जो आपको दे रहा है 14th ब्राइट रिंग, यानी कि नंबर ऑफ रिंग जो है वो 14 है, और जो 14th रिंग का रेडियस है यानी r14 वो आपको दे रहा है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है इनटू मीटर। 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि 10 की पावर -3 लग जाएगी।
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, इसको आपने डेरिवेशन में कैपिटल आर से शो किया था, ये 125 मिलीमीटर है। इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग 1000, तो ये बन जाएगा 125 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट आपने मालूम कर ली है। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ मजीद बातें नहीं है, अगर आपको याद हो बुक में जो न्यूमेरिकल इसका मौजूद है उसके अंदर जो रेज ऑफ लाइट इंटर हुई हैं वो ऑप्टिकली तरीके से हुई हैं विद एंगल, विद सम एंगल। तो एंगल वाले सिचुएशन में फार्मूले में क्या इजाफा होता है और विदाउट एंगल जो कि इस वक्त बात की गई है, तो हमने पढ़ा है एज वी नो दैट रेडियस of nth bright ring is Rn is equal to square root n minus half and lambda r। बेटा ये वो फार्मूला है जिसके अंदर डिवाइड के अंदर हम कॉस का फैक्टर लगाते हैं जब हमें ये कहा जाता है कि रेज ऑफ लाइट इंटर हुई है मीडियम के अंदर विद सम एंगल, यानी ऑब्लिक तरीके से रोशनी की शुआएं एयर में या किसी मीडियम में अगर दाखिल हो, तो डिवाइड में कॉस का फंक्शन हमने देखा था और इसको ड्राइव भी किया था। बहरहाल हमारे ये क्योंकि बुक में है नहीं इसकी डेरिवेशन, तो उसूली तौर पर तो इसको क्वेश्चन को होना ही नहीं चाहिए। बहरहाल फिर भी तो जो बहरहाल इस वक्त बात की जा रही है उसमें आर एन की कीमत हम रख रहे हैं यहाँ पर 1 × 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एन माइनस हाफ, एन की कीमत 14 है, माइनस हाफ लेमडा मालूम नहीं है और आर की कीमत 125 एक्सपोनेंट माइनस 3 है। हमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है क्योंकि हमें रूट कैंसिल करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 × -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर से रूट और 14 में से जब हाफ कैंसिल हुए माइनस हुए तो ये बचा 13.5। फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो फ्रैक्शन में लिख दीजिए आप इसको 27/2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 125 एक्सपोनेंट माइनस 3। दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर रही हैं, दूसरी तरफ आकर डेफिनेटली डिवाइड करेंगी, 1 × -3 का स्क्वायर -6 हो गया, 1 का स्क्वायर तो बहरहाल 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 13.5 125 × -3। तो बेटा यहाँ से आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट की कीमत मिल जाएगी। मेरा कैलकुलेटर यही था, ये रहा कैलकुलेटर, क्या है जी 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 125 × -3, इसको हम ऊपर ले करें मल्टीप्लाइड बाय 1.6। तो जो आंसर आ रहा है वो है 5.925 × -7 मीटर। अगर कोई शख्स शुरू में वेवलेंथ को और ये जो वैल्यूज दी हुई हैं को मिलीमीटर में ही छोड़ देता है और मिलीमीटर में ही सॉल्व करता है, तो एट द एंड उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर, तो वो भी सही है, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, हाँ सही है सब कुछ, ओके। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। A uniform ladder L and weight 50 kg rest against the wall. ये chapter number 6 का बेटा question number 8 है, तो आप इसको theory की उसमें देख सकते हैं। बाकी 2010 हमारा end हो गया, ठीक है।